नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेन आई न्यूज और मैं हूं राशिद अली। खबर है राजस्थान से, जहां पर कांग्रेस मजबूत होने के बजाय अपने अंदर ही गुटबाजी से हार का कारण न बन जाए। जी हां, अब तक जो कांग्रेस, में आपको बता दूं, कांग्रेस राजस्थान के उपचुनावों में जीत हासिल कर पाई है तो वो इसकी बदौलत कि कांग्रेस में, राजस्थान में कांग्रेस की छवि पहले से बेहतर हुई है, लोकप्रियता बढ़ी है और पहले से उसकी काफ़ी अब उम्मीद जगी है कि इस बार अगर सत्ता में आ सकती है तो वो कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है, यानी कि सत्ता में भी आ सकती है। लेकिन कांग्रेस अपनी मजबूती के साथ, अपने मौजूदा वक्त के साथ अपनी पार्टी को मजबूत करने के बजाय पार्टी में ही खलल पैदा हो रही है। पार्टी के नेताओं के भीतर गुटबाजी चल रही है और वो हो रही है सीएम पद को लेकर। आखिर राजस्थान में कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार कौन होगा, तो इसको लेकर खबर सामने आ रही है, अटकलें लग रही हैं। कई दावेदार हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो कि अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट हैं, और भी नाम सामने आ रहे हैं, जो इनमें सीएम पद को लेकर जो कि गुटबाजी चल रही है। लेकिन इसका एक मेन कारण यह है कि इस गुटबाजी का कारण कहीं राजस्थान में कांग्रेस की हार का कारण ये गुटबाजी राजनीति ना बन जाए। कांग्रेस में सीएम फेस पर उठे विवाद के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने नाम लिए बिना पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके समर्थकों पर पलटवार किया है। पायलट ने इशारों में वह सब कुछ कह दिया है जो पिछले दिनों अशोक गहलोत का चेहरा घोषित करने वाले बयानों का जवाब था। यानी कि अशोक गहलोत ने कहा था कि जब चेहरा आपके सामने है तो आपको मुख्यमंत्री की और खोजना क्यों है, मैं कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। दरअसल अशोक गहलोत ने इशारों में ये कहा था कि सीएम उम्मीदवार मैं हूं और आप किसे ढूंढ रहे हैं। बता दूं, सचिन पायलट ने सभी नेता और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कांग्रेस की सरकार बनाने के काम में जुटने की बात कहकर एकजुटता का मैसेज देने का प्रयास भी किया। पायलट का कहना है कि जब उन्हें जिम्मेदारी दी गई तब कांग्रेस को इतिहास में सबसे कम 21 सीटें मिली थी। दोबारा सुनिएगा आपने, उनका कहना है कि जब उन्हें जिम्मेदारी दी गई तब कांग्रेस को इतिहास में सबसे कम 21 सीटें मिली थी। इसे सीधे तौर पर अशोक गहलोत की तरफ इशारा माना जा रहा है। सचिन पायलट ने कहा, हमारा लक्ष्य कांग्रेस की सरकार बनाना होना चाहिए। हम लोगों को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, नेताओं की बात कर रहा हूँ। जो आज बड़े बड़े नेता हैं देश प्रदेश में, उन्हें जो स्थान मिला है वह पार्टी की बदौलत ही मिला है। सचिन पायलट ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटने के बाद पहली बार राजस्थान में आकर बयान दिया है। पायलट ने जो कुछ कहा उसमें कांग्रेस की अंदरूनी सियासत को बहुत से छुपे हुए संकेत मिल गए हैं। पायलट ने यह मैसेज देने का प्रयास किया कि हाईकमान की निगाहों में आज भी उनके नंबर बड़े हुए हैं। तभी तो पायलट ने यह जताया कि बड़े बड़े नेताओं में से उन्हें ही राजस्थान कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई, यानी कि अपनी तरफ से नेता खूब दावेदारी कर रहे हैं। अशोक गहलोत अपनी तरफ से, सचिन पायलट अपनी तरफ से, सबके कहने का अंदाज अलग लेकिन मकसद एक। पार्टी हाईकमान मोहर लगाएगी कि आखिर कौन होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का दावेदार। पायलट ने अर्जुन की तरह सत्ता रूपी मछली पर लक्ष्य रखने की बात कहकर कार्यकर्ताओं को एकजुटता से चुनावी रण में जुट जाने को कहा है। पायलट ने सीएम फेस विवाद पर सीधे कुछ नहीं कहकर इशारों में दूसरे खेमे के नेताओं पर निशाना साध दिया है। पायलट के बयान से यह साफ हो गया है कि सीएम फेस विवाद पर अशोक गहलोत की सफाई के बाद, विराम लगाने के बाद महज अटकलें साबित हुई हैं। अंदरूनी खींचतान अभी बरकरार है, लड़ाई बरकरार है। यह जरूर है कि हाईकमान के निर्देशों के कारण नेता मर्यादा में रहकर ही बिना नाम लिए एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जो पार्टी की अंतिम मोहर लगेगी वो तो तभी लगेगी या तो पहले पार्टी जीते। कांग्रेस बिना किसी उम्मीदवार के पार्टी जीते उसके बाद ही मुख्यमंत्री तय होगा, या फिर सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं और भी हैं जो सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं, या फिर पार्टी इनमें से किसी एक चेहरे को सीएम पद का उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कांग्रेस के अंदर ऐसी गुटबाजी हुई, एक को उम्मीदवार बना दिया और दूसरे का खेमा नाराज हो गया, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना ना पड़ जाए और बीजेपी इसका लाभ ना उठा ले। यानी कि बीजेपी को हराना है तो सभी सीएम की कुर्सी मिले ना मिले, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को समझना चाहिए कि आखिर वो कांग्रेस पार्टी को ही जिताएं, कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी एकता से काम करें, इसका फ़ायदा बीजेपी ना ले। तो
तो देखना होगा कि आखिर में कौन सीएम पद का उम्मीदवार होगा, कौन नहीं। तो इसके लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।